एम डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, जेटी आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन, मालेगांव नासिक। दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर TYBA, सब्जेक्ट पॉलिटिक्स G3। टाइटल ऑफ द पेपर इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड दिस प्रेजेंटेशन इज इंटाइटल्ड एज यूनिट 5 मार्क्सिज्म एंड सब यूनिट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, तारीखी सतह पे मादियत परस्ती का ये फलसफा जो है कार्ल मार्क्स ने बयान किया। इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक्चुअली हिस्ट्री के अलग अलग स्टेजेस जो हैं उसको लेकर कार्ल मार्क्स ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुए, क्लास जो है चेंज हुआ, समाज में चेंजेस आए, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस हुए ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स ट्राइड टू एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स ने कोशिश की है कि तारीखी सतह पे जितने इनकलाब आए हैं वो मादियत परस्ती के फलसफे की बुनियाद पे ही आए हैं एंड ऑफर्ड ए मटेरियलिज्म इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब कार्ल मार्क्स ने पेशकश की कि तारीख को उसने इंटरप्रेट किया है वो मटेरियलिज्म को बेस रखकर। ही असर्टेड दैट, कार्ल मार्क्स ने जोर देकर वो जो है बात कही है कि हिस्ट्री में जो भी चेंजेस आए आर कॉज्ड बाय, वजह जो रही है उसकी, चेंजेस इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, लेन देन के तरीके में, मोड ऑफ प्रोडक्शन में जैसे जैसे चेंजेस आए वैसे वैसे समाज में तब्दीलियां आई। द चेंजेस इन अदर स्फीयर्स अफेक्ट हिस्ट्री ओनली मार्जिनली। चेंजेस जो दूसरी फील्ड्स में आए इन्होंने अफेक्ट किया, हिस्ट्री को अफेक्ट किया, असर डाला मार्जिनली, बिल्कुल जो है मिगर तौर पे। वेयर एज ए चेंज इन द इकोनॉमिक स्फीयर, जबकि माशी सतह पे जो चेंज हुआ लीव्स ए लास्टिंग इम्पैक्ट, बहुत देर पा असर छोड़ा उसने ऑन द कोर्स ऑफ फ्यूचर हिस्ट्री। आने वाले वक्त में जो हिस्ट्री रहेगी उस पर बहुत ज़्यादा असर छोड़ा। यानी कार्ल मार्क्स यहाँ कह रहे हैं कि सामाजिक तौर पे और सियासी तौर पे या दूसरे स्फीयर में इतना असर नहीं होता है जितना अगर इकोनॉमिक स्फीयर में जब अगर चेंजेस आए तो हिस्ट्री में उसका बहुत ज़्यादा असर होता है और लास्टिंग इम्पैक्ट डालता है ये आगे की फ्यूचर हिस्ट्री पर। यानी तीनों जो फैक्टर्स हैं जैसे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, तो उसमें सबसे ज़्यादा लास्टिंग इम्पैक्ट जो होता है हिस्ट्री के ऊपर वो इकोनॉमिक जो है फील्ड का होता है। मार्क्स फाउंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म वेरी यूजफुल। कार्ल मार्क्स ने जो है पाया डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, फायदेमंद एंड अप्लाइड टू हिस्टोरिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ हिज टाइम्स, और उसके वक्त के सामाजिक और तारीखी जो हालात थे उसके ऊपर उसने इस फलसफे को यूज किया और डिस्क्राइब करने की कोशिश की। ही दस गेव द आइडिया ऑफ मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। फिर कार्ल मार्क्स ने एक आइडिया दिया कि तारीख की तशरी करना है तो मादियत परस्ती के फलसफे को लेकर हम बहुत अच्छे से तारीख को बयान कर सकते हैं। बाय मटेरियलिस्टिक कंडीशन ही मीन्ट द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मटेरियलिस्टिक कंडीशन जो हालात को उसने लिया है वो खास तौर से उसने बयान किया है द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, पैदावार के जराए क्या थे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की तकसीम कैसे हुई उसके बारे में कार्ल मार्क्स बात करता है। कार्ल मार्क्स स्पीक्स ऑफ फोर स्टेजेस, चार स्टेजेस जो है वो तारीख की बयान करता है थ्रू विच प्रोडक्शन पासेस, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो चेंज हुआ उसकी चार स्टेजेस हैं हिस्टोरिकल एतबार से। तो पहली स्टेज है प्रीमेटिव कम्युनिस्ट स्टेज। प्रीमेटिव मीन्स दौर कदीम, इब्तदाई दौर जो था वो कम्युनिस्ट स्टेज था। इन दिस स्टेज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी एज दे आर मीगर। बिल्कुल कदीम दौर में आए थे, कदीम में अगर हम चले जाएँ
तो कम्युनिटी बहुत ही छोटी थी, समाज बहुत छोटा था, लोग बहुत कम थे। तो उस वक्त मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो किसके हाथ में था, समाज के हाथ में था, यानी सोशल ओनरशिप वॉज देयर। दूसरा आता है एंशियंट स्टेज। एंशियंट स्टेज मीन्स ए कदीम, यानी जो है कदीम से पहले वाला प्रीमिटिव, अब उसके बाद जो है सॉरी एंशियंट स्टेज आएगी। इन दिस स्टेज ओनर्स ऑफ स्लेव्स एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गेट एवरीथिंग सब्सटेंशियल। इस स्टेज में क्या दिखता है हमको, स्लेव्स जो है गुलामी जो है, तो लोग जो है इंसानों को गुलाम बना के रखते थे और गुलामों से जो है जानवरों की तरह काम लिया जाता था। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा करता था। और पुअर एंड स्लेव्स जो है हु रिसीव वेरी लिटिल फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेड लॉर्ड। ये स्लेव्स जानवरों की तरह काम करते थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब भी रहते थे और बदले में उनको कुछ मिलता नहीं था सिवाय एक्सप्लॉयटेशन के, और सिर्फ दो वक्त की रोटी मिल गई तो बहुत है, और वरना गुलामों को बांध के रख दिया जाता था और जानवरों की तरह दिन भर काम लेंगे, रात को दो सूखी रोटी आगे डाल दिए, पेट भरे या ना भरे वो जो मास्टर उनका रहता था एंशियंट स्टेज में, उसको कोई लेना देना नहीं था। मीन्स स्लेव्स वेयर ट्रीटेड जस्ट लाइक ए एनिमल और उनसे बहुत ही ज़्यादा काम लिया जाता था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, पर उनको कुछ बदले में दिया नहीं जाता था। अगेन देयर इज फ्यूडल स्टेज। फ्यूडल स्टेज मीन्स, फ्यूडल मीन्स जागीरदार, सरमायादार, लैंड लॉर्ड। इन दिस स्टेज द फ्यूडल लॉर्ड्स ओन्स लैंड। फ्यूडल लॉर्ड्स के पास क्या थी, बहुत सारी ज़मीनें थी, जमींदार थे ये, जागीरदार थे ये लोग। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सप्लॉइट्स द लेबर। इनके पास जो लेबरर्स थे वो इनके पास काम करते थे और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में ये लोग हिस्सा लेते थे, लेकिन इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे हम देखेंगे बंधुआ मजदूर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि बंधुआ मजदूर रहते थे इनके, और ये फ्यूडल लॉर्ड जो है दिन भर उनसे खेतों में काम लेते थे और रात को जानवरों की तरह एक डरबे में बंद कर देते थे। और फिर हम देखेंगे ये बंधुआ मजदूर को दो वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत था, बदले में ये कुछ नहीं देते थे, और इनका एक्सप्लॉयटेशन एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी रहा है फ्यूडल स्टेज में। उसके बाद आती है कैपिटलिस्ट स्टेज। कैपिटलिस्ट स्टेज में, इन दिस स्टेज द कैपिटलिस्ट ओन्स ऑल द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मेक्स द वर्कर्स वेज स्लेव्स और टूल्स। कैपिटलिज्म में फिर क्या आ गया, सरमायादार के हाथ में तमाम चीज़ें रहेंगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, कारखाना उसका, फैक्ट्री उसकी, इंडस्ट्री उसकी, और वर्कर सिर्फ उसमें आके काम करेगा, और वर्कर जो है वो वेज स्लेव्स रहेगा। वेज स्लेव्स मीन्स गुलाम की तरह काम करेगा, बस एक गुलाम को जिस तरह से दो वक्त की रोटी दी गई थी वैसे ही लेबरर को तनख्वाह दे दी जाएगी, और वो जो है वर्कर हफ्ते भर फिर काम करता है या महीने भर काम करता है और आखिर में उसको सिर्फ पगार दे दिया जाता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में उसका कोई हिस्सा नहीं रहेगा और कैपिटलिस्ट पूरा प्रॉफिट, पूरा जो है मुनाफा जो है वो अपने घर ले जाएगा। मीन्स वर्कर को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सेठ की तिजोरी भरती रहेगी। ये कैपिटलिस्ट स्टेज का कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने बयान किया है। कार्ल मार्क्स कंसिडर दिस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इंसानी तारीख में कार्ल मार्क्स ने बताया है कि सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ड्राइविंग फोर्स है, हिस्ट्री को चलाने वाली यही चीज है कि समाजी और माशी सतह पे जो इख्तलाफात हुए, मालिक और नौकर का जो फर्क हुआ, मास्टर और सर्वेंट के बीच में जो इख्तलाफात हुए, सिंस दीज रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैव मैनिफेस्टेड देमसेल्व्स एज डिस्टिंक्ट ट्रांजिशनल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में हम देखेंगे फिर क्या हो गया कि डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हुई तो अलग अलग जो है डिस्टिंक्ट ट्रांजिशनल स्टेजेस आए, अलग अलग दौर आए तारीख के और मुख्तलिफ नुमाया उसमें चेंजेस हुए, और ये सारी चीज़ें जो है वो मास्टर और सर्वेंट के बीच के कन्फ्लिक्ट को देखते हुए आगे बढ़ी और ये कन्फ्लिक्ट डे बाय डे बढ़ता ही गया। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स उसी सोशियो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट की बात करता है
जिसकी वजह से तारीखी सतह पे बहुत सारा चेंजेस आए और अकॉर्डिंगली मार्क्स डिजिग्नेट्स ह्यूमन हिस्ट्री एज इन कंपासिंग फोर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के ताल्लुक से भी कार्ल मार्क्स ने जो है फोर स्टेजेस बताई कि ह्यूमन हिस्ट्री में जब कन्फ्लिक्ट होता रहा मास्टर और सर्वेंट के बीच में, प्रोलेटरेट और बोर्जुआज के बीच में, तो ये कन्फ्लिक्ट की वजह से इंसानी हिस्ट्री जो है वो चार हिस्सों में बटती है। पहला जो है कार्ल मार्क्स कहता है प्रिमेटिव कम्युनिज्म एज इन कोऑपरेटिव ट्राइबल सोसाइटी। अहद कदीम में हम देखेंगे कि समाज में जो है कोऑपरेटिव ट्राइबल सोसाइटीज थी, अलग अलग कबीले के लोग रहते थे, एक दूसरे के साथ टाउन करते थे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके हाथ में रहता था और समाज अच्छी तरह से चल रहा था, दैट इज प्रिमेटिव कम्युनिज्म। स्लेव सोसाइटी, फिर गुलामों का दौर आया, गुलामों का समाज आया, डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल टू सिटी स्टेट एरिस्टोक्रेसी इज बॉर्न। कार्ल मार्क्स कहता है कि यहाँ ट्राइबल स्टेट जो है वो किसमें तब्दील हुए, सिटी स्टेट में। फिर छोटे छोटे शहर जो है हुकूमत की शक्ल लेने लग गए, गुलामगिरी परवान चढ़ी और यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी, चंद मुट्ठी भर लोग, उनके हाथ में देश का कंट्रोल आ गया। वो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो लैंड लॉर्ड्स थे और लोगों को गुलाम बना के फिर वो लोग काम लेने लग गए और ये अरिस्टोक्रेसी जो है वापस से डेवलप हुई और फ्यूडलिज्म में कन्वर्ट हो गई। फ्यूडलिज्म मीन्स जागीरदाराना निज़ाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अरिस्टोक्रेट्स आर द रूलिंग क्लास, मर्चेंट्स इवॉल्व इनटू कैपिटलिस्ट। फिर ये लोग जो है रूलिंग क्लास ये आगे बढ़ी, ये मर्चेंट में इवॉल्व हुए और ये मर्चेंट क्लास अपना इवोल्यूशन करते करते वो कैपिटलिस्ट में आ गई और फिर कैपिटलिज्म की शुरुआत हो गई। कैपिटलिस्ट आर द रूलिंग क्लास हु क्रिएट एंड एम्प्लॉय द प्रोलेटरेट। फिर कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो रूलिंग क्लास बन गई, हुकूमत की बागदौड़, समाज की बागदौड़ उनके हाथों में आई और उन्होंने क्रिएट किया एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को और फिर जो है उन्होंने एम्प्लॉय किया, नौकरी देने लग गए प्रोलेटरेट यानी वर्किंग क्लास को, और एक की वर्किंग क्लास का वो वजूद जो है वो अमल में आया। द होल थ्योरी ऑफ मार्क्सियन सोशलिज्म इज बिल्ट ऑन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स की सोशलिज्म की जो थ्योरी है वो पूरी जो है बेस्ड है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के ऊपर। मार्क्स बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम हीगल। अब डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो फलसफा है कार्ल मार्क्स ने बोरो किया, उधार लिया, कहाँ से लिया, हीगल से। हीगल की जो थ्योरी थी, इवन दो ही इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल चेंजेस इन हीगल्स कंसेप्ट। कार्ल मार्क्स ने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस तो किया लेकिन बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल चेंजेस किए, बुनियादी तौर पे कुछ चेंजेस लाए हीगल के कंसेप्ट में और फिर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी बयान किया। द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इज नॉट द ओरिजिनल आइडिया ऑफ मार्क्स। कार्ल मार्क्स का ये ओरिजिनल आइडिया नहीं है जो कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, बल्कि इनफैक्ट ही बोरोड दिस फ्रॉम हीगल, बल्कि उसने जो है ये बोरो किया है हीगल से। हीगल बिलीव डेट, अब हीगल का कंसेप्ट क्या है वो हम देखेंगे। तो हीगल का बिलीफ था इट वॉज ए प्रोसेस अंडर विच ऑल आइडियाज इन द वर्ल्ड डेवलप। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें वर्ल्ड की तमाम आइडियाज डेवलप होती हैं, यानी हर जगह यही कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं, इन एवरी फील्ड इन द इंटायर वर्ल्ड। ही वॉज ऑफ द व्यू, हीगल जो है वो इस व्यू पर था कि होल वर्ल्ड वॉज मूविंग टूवर्ड्स ए डेफिनेट ऑब्जेक्ट। पूरी दुनिया गर्दिश कर रही है, काम कर रही है एक खास मकसद की तरफ, डेफिनेट ऑब्जेक्ट, हर कोई एक मकसद की तलाश में बस घूम रहा है राउंड एंड राउंड, इट इज मूविंग, द होल वर्ल्ड इज मूविंग, ऐसा उन्होंने बताया। ही बिलीव डैट इन द यूनिवर्स, इस कायनात में जो है रियलिटी कुड नॉट बी अचीव्ड, हकीकत जो है वो पाई नहीं जा सकती। प्राइमा फेसी सीइंग द थिंग्स, सिर्फ चीज़ों को देख के हम लोग हकीकत नहीं मान सकते, बट बाय कॉन्ट्रास्टिंग विथ ईच अदर। हम लोग यूनिवर्स में चेंजेस लाएंगे अगर तो फिर कॉन्ट्रास्ट तो होना ही चाहिए एक दूसरे से, ऐसा हीगल का कंसेप्ट था कि दो चीज़ें जब तक नहीं टकराएंगी
तब तक एक नई चीज नहीं बनेगी। तो सिर्फ जो है देखते रहने से चेंजेस होने वाला नहीं, बल्कि हमको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, टकराव करना पड़ेगा, तब समाज में, वर्ल्ड में चेंजेस आएंगे। Does goodness could be realized? अच्छाई को हम समझ सकते हैं only when compared with badness, जब तक उसका comparison, उसका मुआवजना बुराई से ना करें। अच्छाई क्या है? हम उसको सिर्फ simply देख के नहीं समझ सकते जब तक उसका मुआवजना बुराई से ना कर सकें। तो इसी तरह से समाज में changes कब आएंगे? जब हम जो है उसका comparison बुराई से करेंगे, बुरी चीज़ों से करेंगे। तो कंपैरिजन करने के बाद हम समाज में अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। हीगल प्रेज्यूम द फर्स्ट एजर्शन। अब हीगल ने जो है पहली चीज़ बताई है कि फर्स्ट चीज़ जो बोली है इस साइकिल में, फर्स्ट एजर्शन एज अ थेसिस, पहली स्टेज बताई है थेसिस। थेसिस मीन्स बनना, एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, और उसके उलट एक चीज बताई है एज एंटीथेसिस, बिगड़ना। देखिए पहला है थेसिस, अब जो है थेसिस के बाद एंटीथेसिस, टकराव होएगा, एंटीथेसिस होगा। थेसिस एंड एंटीथेसिस प्रोड्यूस्ड ए न्यू आइडिया। देखिए थेसिस और एंटीथेसिस जब दोनों टकराएंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे एक नई आइडिया, विच कंबाइंड कॉल्ड एज सिंथेसिस। दोनों टकराएंगे तो फिर एक नई चीज बनेगी, दैट इज सिंथेसिस। देखिए थेसिस यानी बनना, एंटीथेसिस बिगड़ना, सिंथेसिस बिगड़कर संवरना या बिगड़कर बनना। दस एजर्शन निगेशन एंड रिकंसिलिएशन वेयर द साइकिल ऑफ लाइफ। इसलिए हीगल कहता है कि एजर्शन यानी थेसिस यानी बनना, निगेशन यानी एंटीथेसिस यानी बिगड़ना, रिकंसिलिएशन यानी सिंथेसिस यानी बिगड़ कर बनना, ये जो है साइकिल ऑफ लाइफ है। जिंदगी का ये साइकिल ऐसे ही चलता है। हमारी लाइफ में भी स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आते हैं। पहले सुख है, फिर दुख है, फिर दुख के बाद फिर सुख है। पहले हम बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं, फिर बनते हैं। जैसे बचपन में हमारा जो है बचपन, this is the thesis period, jawani this is antithesis period, and baad mein budhape ki taraf jaye to synthesis, fir hum log jo hai sudhar jate hain, yani pehle hum log dekho bachpan mein banne ki stage pe rehte hain, aur antithesis period hamara aata hai jab jawani aati hai, achhi baatein humko jo hai logo ki achhi nahi lagti hain, us waqt hum bigadne lag jate hain, par ek thokar lagti hai, fir hamari life mein synthesis aa jata hai, yani bigad kar samarne lag jate hain। तो दीज थ्री स्टेजेस, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, हम लोग दुनिया की किसी भी जो है चीज़ में ये तीनों चीज़ें रख के देखें कि सुख है तो दुख है, और दुख है तो फिर सुख है, खुशी है फिर गम है, फिर खुशी है। तो उसी तरह से एजर्शन, निगेशन एंड रिकंसिलिएशन वेयर द साइकिल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू हीगल, वो जो है ये बयान करता है। और हीगल यूज्ड दिस डायलेक्टिकल मेथड, और हीगल ने ये माध्यत परस्ती का जो फलसफा है उसको यूज किया है एज एक्सप्लेनेशन टू प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड इट्स वेरियस इंस्टीट्यूशंस। इसने समाज की प्रोग्रेस को एक्सप्लेन करने के लिए इसको यूज किया है, और समाज के बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पार्ट हैं, उसको भी उसने बयान किया इसी फलसफे की मदद से। एंड उसको देखकर कार्ल मार्क्स वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द डायलेक्टिकल आइडिया ऑफ हीगल। हीगल के ये डायलेक्टिकल आइडिया, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस वाला, ये इसको बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ कार्ल मार्क्स, और उसने जो है एक नई थेरी जो है क्लियर कर ली। हिज अट्रैक्शन फॉर दिस थेरी इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट, इसका जो अट्रैक्शन था इस थेरी की तरफ तो वो जो है क्लियर हो गया कि ही यूज्ड इट, उसने जो है इस थेरी का इस्तेमाल किया, हीगल की थेरी का, वाइल फॉर्मुलेटिंग इस थेरी ऑफ सोशल रिवोल्यूशन, समाज में इनकलाब जो है आएगा उसके लिए कार्ल मार्क्स ने इस थेरी, हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म या डायलेक्टिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन,
वो जो थेरी थी कार्ल मार्क्स की, वो उसको बयान करने में जो है कार्ल मार्क्स ने इस थेरी का भरपूर यूज किया। यानी इन शॉर्ट, इन नटशेल, वी कैन से दैट कार्ल मार्क्स वाज वेरी मच अट्रैक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द डायलेक्टिकल आइडिया ऑफ हीगल, और हीगल की इस फिलॉसफी को लेकर कार्ल मार्क्स ने अपनी एक नई फिलॉसफी बनाई। बट दिस इज द नॉट द ओरिजिनल आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स, एक्चुअली दिस इज द आइडिया ऑफ हीगल विच वॉज यूज बाय कार्ल मार्क्स इन डिस्क्राइबिंग द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इन फॉर्मुलेटिंग द थेरी ऑफ सोशल रिवोल्यूशन। इट इज वेल यूज बाय कार्ल मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। इफ यू हैव सम क्वेश्चन, डाउट्स, यू कैन आस्क, फील फ्री आस्क मी। टेक केयर, थैंक यू।